नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते इस वक्त की ताजा बड़ी खबर से। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन एनडीए के ओम बिरला हमारे उम्मीदवार है और हमें पूरा विश्वास है, हमारे पास पर्याप्त संख्या है, ये चुनाव महज प्रतीकात्मक होगा। ये सच है कि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन हमारे श्री ओम बिरला जी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं और हमें पूरा विश्वास है, हमारे पास पर्याप्त संख्या भी है कि ये चुनाव महज प्रतीकात्मक होगा। और माननीय ओम बिरला जी लगातार दूसरी बार लोकतंत्र के इस मंदिर में लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन होंगे और हम सबका नेतृत्व और मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि एकमत नहीं देख रहे, टीएमसी ने साफ तौर पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमसे कोई डिसीजन लिया नहीं गया, हमसे कुछ पूछा नहीं गया इस तरीके की। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये चुनाव महज प्रतीकात्मक है। ओम बिरला जी दूसरी बार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और हम सब के लिए गौरव की बात होगी कि वो लगातार 10 वर्ष सदन का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, सत्ता पक्ष को अपना रवैया बदलने की जरूरत है, अगर वो सहमति चाहते हैं तो सबकी बातें सुनने के बाद सहमति होती है और सत्ता पक्ष यह तय नहीं कर सकता कि कौन से मुद्दों को पहले और कौन से मुद्दों को बाद में लेगी। आज के बाद सत्ता पक्ष को यह संदेश मिलना चाहिए कि 2024 के पहले का सदन और 2024 के बाद के सदन में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जैसे हमने कहा कि सत्ता पक्ष को अपना रवैया बदलने की जरूरत है, अगर सहमति वो चाहते हैं तो सहमति सबकी बातें सुनने के बाद होती है और सत्ता पक्ष ये तय नहीं कर सकती कि कौन से मुद्दों को पहले और कौन से मुद्दों को बाद में लेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज के बाद सत्ता पक्ष को ये संदेश मिलना चाहिए कि 2024 का पहला का सदन और 2024 के बाद का सदन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, लोकसभा का अध्यक्ष किसी खास पार्टी ही होता, वह पूरे सदन का होता है। परंपरा है कि अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना जाना चाहिए, विपक्ष के हट के कारण यह स्थिति पैदा हुई है, उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। हम लोग इस बात को भी मानते हैं कि उनकी तरफ से लोग भी हमारे पक्ष में मतदान करेंगे, जो इस सोच के खिलाफ है। देखिए, पहली बात तो खैर स्पीकर किसी पक्ष का या किसी दल के नहीं होते, वो पूरे सदन के होते हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबके होते हैं। ऐसे में सर्वसहमति से इनका चुनाव होना चाहिए, ऐसी एक परंपरा रही है। आजादी के बाद से अक्सर हम लोगों ने देखा है कि इसी परंपरा का सत्ता पक्ष विपक्ष निर्वहन करते हुए सर्वसहमति से स्पीकर को चुना जाता है। बट बहरहाल विपक्ष की जिद की वजह से एक ऐसी परिस्थिति सामने आई है और विपक्ष पूरी तरीके से जानता है कि ना उनके पास संख्या है, ना उनके पास वो आंकड़े हैं जिससे वो अपने प्रत्याशियों को जिता पाए। बट बहरहाल, जहां एक तरफ आदरणीय ओम बिरला जी की जीत सुनिश्चित है, हम लोग इस बात को भी मानते हैं कि उनकी तरफ के भी कई लोग ऐसे हैं जो हम लोग के पक्ष में मतदान करेंगे, जो कि इस सोच के खिलाफ हैं जहां पे इन लोगों ने स्पीकर के पद तक को चुनाव के क्षेत्र में लेके जाने की सोच रखी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, मुख्यमंत्रियों की तकलीफ बड़ी, परेशानियां बड़ी। केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भाव अगर किसी के साथ किया तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया। केंद्र सरकार लगातार उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है, जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते तो वे निकल ना पाए, सरकार ना चला पाए, इसीलिए फिर उन पर ना जाने कौन सा मुकदमा लगाकर उनको फंसा दिया गया। सीबीआई के लोग लगातार लोगों को फंसाते हैं। मैं यहाँ पर जल मंत्री आतिशी जी से मिलने आया था और उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए मैं आया था। वो बहादुर तो हैं ही, लेकिन वो अपने लोगों के लिए लड़ना भी जानती हैं।
जल मंत्री के साथ साथ वो दिल्ली को कैसे और दिल्ली के लोगों के समस्याओं का कैसे समाधान करें उसके लिए लगातार वो लड़ती रही हैं। मुझे याद आ रहा है जिस समय बीजेपी की सरकार बनी थी और उनके प्रधान सांसद जी ने ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और मुख्यमंत्री की मैं तकलीफ और परेशानियों को जानता हूं, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की तकलीफ बढ़ी है, परेशानियां बढ़ी हैं। जो दिल्ली सरकार से सहयोग और मदद मिलनी चाहिए उन मददों को भी सरकार ने नहीं पूरा किया और वहीं भेदभाव और अन्याय लगातार दिल्ली की सरकार ने किया है। और दिल्ली की सरकार ने तो खासकर, अब दिल्ली की सरकार में कंफ्यूज ना हो, केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ। सरकार बन गई उनकी, वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उनको सही शिक्षा कैसे मिले और सुविधाएं कैसे मिल पाएं, वहीं केंद्र सरकार लगातार रोड़ा अटका रही है, उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है। और जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते, ये केंद्र सरकार की जानकारी में होगा कि वो बाहर निकल आएंगे, वो निकल ना पाए, जनता के बीच में ना पहुंच पाए, सरकार ठीक से न चला पाए, इसलिए फिर उन पे न जाने कौन सा मुकदमा लगा करके फिर उनको फंसा दिया गया। ये सीबीआई के लोग कोई पहली बार नहीं फंसा रहे लोगों को, ये लगातार फंसाते हैं लोगों को और उनको फंसाते हैं जिनसे इन्हें खतरा है। सीबीआई का इस्तेमाल होना, दिल्ली की संस्थाओं का इस्तेमाल होना और उसी का परिणाम ये था कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ मतदान हुआ। वो तो बच गए, नहीं तो दिल्ली की सरकार जो थी केंद्र सरकार वो कभी सफाया हो गया।